हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख में अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हुआ चीन। रशिया पेश कर रहा भारत के लिए पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन। चाइना ऑफिशियल ने किया गलवान घाटी वाली उनकी कैजुअल्टीज का एक बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के चाइनीज GJ2 ड्रोन्स के जवाब में भारत दे सकता है अमेरिका के प्रीडेटर भी ड्रोन्स का ऑर्डर। और बोइंग तैयार है इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने F-15EX को पेश करने के लिए। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने कैंप्स को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इसे LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने का पहला संकेत माना जा रहा है। और अभी तक आई जानकारी के मुताबिक रविवार को गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 से चीनी सेना ने अपने टेंट्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स को पीछे हटाना शुरू कर दिया था और चीनी सेना ने अपने कैंप्स को करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे किया है। और सोर्सेज की माने तो ये डिसएंगेजमेंट कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत में जो सहमति बनी थी उसके तहत हुई है। हालांकि इन दिनों गलवान नदी में जो पानी का बहाव है वो काफी तेज हो गया है और इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि चीनी सेना की पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 से डिसएंगेजमेंट पानी के बहाव बढ़ जाने की वजह से हुई हो, क्योंकि ऐसे में चीनी सेना के जो टैंक्स आदि हैं वो पानी की रफ्तार में बहने का खतरा है। और यही वजह है कि चीनी सेना डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुई है और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने भी अपनी तैनाती को पीछे की तरफ किया है। और आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 वही पेट्रोलिंग पॉइंट है जहाँ पे 15 और 16 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी। और गलवान घाटी के साथ साथ चीनी सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा जनरल एरिया से भी अपनी गाड़ियों को पीछे हटाना शुरू किया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि चीन की सैन्य गाड़ियां कितनी पीछे हटी हैं और इस बारे में पुख्ता तौर पर पुष्टि वेरिफिकेशन के बाद ही होगी। और डिसएंगेजमेंट के 72 घंटों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मूवमेंट की निगरानी करेंगी और इसके बाद ही डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को सफल माना जाएगा। और जबकि इंडियन आर्मी सोर्सेज का कहना है कि ये डिसएंगेजमेंट की शुरुआत मात्र है और पूर्वी लद्दाख से सटी 856 किलोमीटर लंबी LAC पर कई ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां पिछले 2 महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी और टकराव की स्थिति बनी हुई है। और इनमें गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 पर भी भारी तनाव है। और इसी बीच फिंगर 4 से फिंगर 5 से भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने की रिपोर्ट आई है, लेकिन इस रिपोर्ट की अभी तक जमीनी तौर पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। और इन सबके साथ साथ पेंगोंग पर भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि इंडियन आर्मी गलवान या फिर पेंगोंग से चीनी पोस्ट के पीछे हटने को कोई बड़े माइलस्टोन की तरह नहीं देख रही है, क्योंकि इसका ग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरीके से होना बाकी है। और इंडियन आर्मी सारी प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह तब काउंट करेगी जब 29 जून को हुई बातचीत में स्टेटस क्यू की कंडीशन मेंटेन कर दी जाएगी। और इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के शुरू होने से पहले कल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने चाइना के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर एक बातचीत भी की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने LAC पर ऑनगोइंग डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सहमति दी थी। और इस रिपोर्ट के साथ साथ 1962 के न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन भी काफी वायरल हो रही है और यह हेडलाइन 15 जुलाई 1962 की है और इसमें भी वर्तमान समय की स्थिति की तरह ही गलवान पोस्ट से चाइनीज ट्रूप्स के पीछे जाने की रिपोर्ट लिखी गई है। और यह हेडलाइन वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि इसके करीब 97 दिन बाद ही भारत और चीन के बीच 1962 का वॉर छिड़ गया था और इसलिए चीन तब भी भरोसे के लायक नहीं था और अब भी नहीं है। और इसलिए भारत पूरी तरीके से सतर्क है और सावधान है और वो चीनी सेना के इस डिसएंगेजमेंट को एक माइलस्टोन की तरह नहीं देख रहा है जब तक कि यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से पहले की तरह नहीं हो जाती है। चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए लद्दाख क्षेत्र में इंडियन आर्मी ने जो 30,000 से भी अधिक एडिशनल ट्रूप्स को तैनात किया है, अब इंडियन आर्मी अपने इन ट्रूप्स के लिए इमरजेंसी ऑर्डर्स के तहत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर टेंट्स को खरीदेगी, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स का मानना है कि भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसके करीब सितंबर से अक्टूबर के टाइम फ्रेम तक जारी रहने की संभावना है। और उनका यह भी कहना था कि हालांकि यहां के अलग अलग लोकेशन से चाइनीज ट्रूप्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन हम अभी भी भविष्य के लिए कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं और जो सुरक्षा है उसे हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसी वजह से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात अपने ट्रूप्स के लिए हम जल्द ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सर्वाइवल टेंट्स के ऑर्डर देने वाले हैं। और सीमा पर सभी वेपनरी और एम्यूनिशंस की खरीद के अलावा हमारी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मेन फोकस सोल्जर्स के लिए एक आवास प्रदान करने पर भी है। और जबकि चाइना ने तो इस तरह के स्पेशल विंटर टेंट्स को ऑलरेडी पिच करना शुरू भी कर दिया है और जबकि भारत के साइड सियाचिन ग्लेशियर्स में जो इसी तरह के टेंट्स और स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं में से कुछ को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए फिलहाल अभी हमें इस टेंट्स के बड़ी संख्या में ऑर्डर देने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ बल्गेरियन मिलिट्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ रशियन सोर्सेज का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि भारत द्वारा रशिया के शॉर्ट रेंज पैंसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदने के लिए रशिया एक इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन को भी आयोजित कर रहा है। हालांकि फिलहाल भारत ने रशिया के इस पैंसर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है
और इसी वजह से भारत को इस सिस्टम की खरीद करने के लिए बढ़ावा देने के लिए रशिया एक खास तरह के कैंपेन को चला रहा है, जिसके तहत अगर भारत रशिया के इस फैंसी सिस्टम को खरीदता है तो फिर रशिया भारत को इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और साथ ही रशिया ने भारत के लिए सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन को पेश किया है, जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भारत की जरूरतों के हिसाब से हैं। हालांकि ये डिस्कस नहीं हुआ है कि सिस्टम के डिजाइन और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी या नहीं। और जबकि 2019 में भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान भी रशिया से इस पैंसर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को खरीदने की प्रोसेस में है, जिसमें हमने रशिया और पाकिस्तान की इस डील के साथ साथ इस पैंसर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 और 16 जून को जो भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से जितनी कैजुअल्टीज हुई थी उसके बारे में तो भारत ने जानकारी दे दी थी, लेकिन चीन ने अपनी कैजुअल्टीज के बारे में कोई भी जानकारी औपचारिक रूप से जारी नहीं की थी। लेकिन अभी हाल ही में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर लीडर यांग जिलाली ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गलवान घाटी वाली घटना में इंडियन आर्मी के हाथों करीब 100 से भी अधिक चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। और आप इसे एक तरीके से चाइना की तरफ से आया ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कैजुअल्टीज को कंफर्म किया है। हालांकि ये दावा चाइना के फॉर्मर मिनिस्टर और साथ ही फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल ने किया है, तो इसलिए इस बात की भी संभावना बनती है कि जिन्होंने दावा किया है यानी कि यांग जियाली, तो चाइना की मीडिया और गवर्नमेंट इनकी इस आवाज को दबाने की कोशिश कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद इन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाए। खैर, भारत की तरफ से तो दावा पहले ही किया गया था कि इस घटना में चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अब इस नुकसान की एक तरीके से पुष्टि भी हो गई है। और इसके अलावा एलएसी पर से डिसएंगेजमेंट को लेकर आज सोमवार को चाइना की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना था कि गलवान घाटी से तनाव को कम करने और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं वो इफेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। और जबकि इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है कि पेंगोंग शू से करीब 155 किलोमीटर की दूरी पर चाइना एक नई साइट का निर्माण कर रहा है, जहाँ पे चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टर बेस को बनाया जाएगा, जो कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए होगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट में चाइनीज नेवी के नए बेस की सुरक्षा के लिए चाइना पाकिस्तान को 4 आर्म्ड ड्रोन सप्लाई करने की प्रोसेस में है, और इसके तहत चाइना 4 आर्म्ड ड्रोन के साथ इनके ग्राउंड स्टेशन पाकिस्तान को डिलीवर करेगा। हालांकि चीन की योजना ये भी है कि वो अपने विंगलोंग 2 के मिलिट्री वर्जन GJ-2 ड्रोन्स को पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से प्रोड्यूस करेगा, जिसके तहत इस ड्रोन्स की करीब 48 यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए बनाई जाएंगी। और चाइना ऑलरेडी अपने इस रिकॉनसेंस और स्ट्राइक ड्रोन विंगलोंग 2 को कई सारी एशियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज को सेल कर चुका है। और जबकि सिप्री आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के मुताबिक चाइना ने करीब 163 के आसपास UAVs कई दर्जन और कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया और UAE को 2008 से लेकर 2018 के बीच में डिलीवर किए हैं। हालांकि इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी जारी हुई है कि चाइना जो अपने GJ-2 आर्म्ड ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई करने की योजना बना रहा है, उन्हें काउंटर करने के लिए अब भारत भी जल्द ही अमेरिका से प्रीडेटर बी UCAVs के ऑर्डर दे सकता है। और बता दें कि अमेरिका के जिस प्रीडेटर बी UCAV की बात की गई है उसे MQ-9 रीपर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अगर आप चाइना के विंगलोंग 2 और अमेरिका के इस प्रीडेटर बी ड्रोन के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बहुत पहले बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने NDTV के साथ एक इंटरव्यू के तहत इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल उनकी रिस्पांसिबिलिटी वाले जितने भी एरियाज हैं उनके ओपोजिट में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मेजर मूवमेंट या मेजर डिप्लॉयमेंट नहीं देखी गई है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने डिफेंसिव पोस्चरिंग को अपग्रेड जरूर किया है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम भी किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं। और साथ ही उनके मुताबिक पाकिस्तान कुछ एडिशनल रिजर्व फॉर्मेशंस यहां पे लाया है जो कि नॉर्मल है और स्टेबल है, और फिलहाल हमें इस स्टेज पर पाकिस्तान की कोई और इंटेंशन नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने और आतंकियों को भेजने की कोशिश में लगा हुआ है, और भारत में घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और जबकि सीमा के पास जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, और वहाँ पे करीब 300 के आसपास आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का ये भी कहना था कि उन सभी का स्वागत करने के लिए हमारे जवान भी पूरी तरीके से तैयार हैं। लाइफ इज डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग कंपनी को जल्द ही उनके F-15EX फाइटर को इंडियन एयरफोर्स के लिए औपचारिक रूप से पेश करने का लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। आपको ध्यान होगा
कि इस साल फरवरी के महीने में रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि बोइंग कंपनी इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत अपने F-15EX फाइटर को भी पेश करने की योजना बना रही है। और जबकि इस प्रोग्राम में पहले से बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 कॉम्पीट कर रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया है कि इस प्रोग्राम के तहत उन्हें किस तरीके का फाइटर चाहिए। और जबकि अभी हाल ही में लाइफवेज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बोइंग डिफेंस के इंडिया फाइटर सेल्स के हेड अंकुर कर्णलेकर का ये कहना था कि F-15EX के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का जो मेन कारण है वो ये है कि हम इसके साथ कैपेबिलिटीज के एक पूरे स्पेक्ट्रम को पेश करना चाहते हैं। हालांकि निर्भर करता है कि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं के लिए किस तरीके से योजना बनाई जाती है, लेकिन हम इस फाइटर के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम के तहत सिंगल इंजन फाइटर को चुनेगी या ट्विन इंजन फाइटर को। बाकी लाइफवेज के साथ उनका ये पूरा इंटरव्यू आप लाइफवेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन का ये कहना था कि ये जो महामारी चल रही है इसका असर HAL के कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस असर को कम किया जा सके। और उनके मुताबिक HAL एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ 2020 से 21 के चौथे क्वार्टर तक पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। हालांकि इस चाइनीज वायरस महामारी से कई सारे ऑनगोइंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स को देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, लेकिन HAL इस असर को जितना कम हो सके उतना कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।